दिल्ली के बवाना स्थित अतिथि कॉलेज के बाहर छात्राओं ने धरना प्रदर्शन जारी किया। ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की बात को लेकर हारी हुई पार्टी ने धरना जारी किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कॉलेज अतिथि महाविद्यालय के बाहर छात्राओं का धरना प्रदर्शन जारी है। इलेक्शन के समय 3 बार लाइट जाने से हारी हुई पार्टी कॉलेज प्रशासक के खिलाफ है, वह साथ ही अपोजिट पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। वोटिंग की काउंटिंग भी कैंडिडेट्स के सामने नहीं की गई, जिससे NSUI के कैंडिडेट्स ने रूल ब्रेक कहकर दोबारा इलेक्शन की मांग की है। NSUI पार्टी सिर्फ 2 वोटों से हारी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 12 तारीख को इलेक्शन हुआ है, जिनका रिजल्ट 13 तारीख को आया। जब से नतीजा आया है तभी से अद्वितीय महाविद्यालय के अंदर छात्राओं के बीच की संख्या जारी है, जिसका नतीजा आज सुबह से ही कॉलेज के बाहर देखने को मिला। हद तो जब हो गई जब कॉलेज की छात्राओं के साथ एक बाहर के युवक ने हाथापाई की, और यह युवक और कोई नहीं AVVP की प्रेसिडेंट का भाई ही था, जिसने लड़कियों के साथ बदसलूकी की, मारपीट की, गाली गलौज की। यह नजारा काफी शर्मसार करने वाला था, क्योंकि कॉलेज के बाहर पुलिस के होते हुए भी कोई युवक गर्ल्स कॉलेज के अंदर कैसे जा सकता है। कॉलेज के अंदर जाने की तो बात छोड़िए, युवक देखते ही देखते लड़कियों के साथ हाथापाई भी करने लगा। यह सवाल उठते हैं कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्राएं महफूज नहीं है? अगर ये बात है तो यह काफी घिनौनी हरकत है। जो पार्टी जीतने के बाद अपने ही कॉलेज की छात्राओं के साथ संरक्षण नहीं कर सकती, वह पार्टी पूरे कॉलेज आगे कैसे संभाल सकती है। यह हंगामा EVM मशीन की छेड़छाड़ से लेकर शुरू हुआ था, और अब कॉलेज की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। शर्मसार करने वाली एक बात और सामने आई है, महिला पुलिस होते हुए भी पुलिस के जवानों ने छात्राओं पर हमला किया। इस बात से NSUI के कैंडिडेट्स काफी खफा हैं, और छात्राओं का कहना है कि पुलिस भी AVVP से मिली हुई है और कॉलेज प्रशासक भी जीती हुई पार्टी के साथ मिला हुआ है। NSUI पार्टी के कैंडिडेट्स अब दोबारा इलेक्शन की मांग कर रहे हैं। कैंडिडेट्स का कहना है कि प्रेसिडेंट की माताजी भी वहां आई और खुद को क्राइम ब्रांच की अफसर होने की धमकी देकर छात्राओं को डराने लगी। NSUI के छात्र अब बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम निकिता। बताइए क्या समस्या? जब हमारे इलेक्शन हो रहे थे, अंदर वोटिंग की जा रही थी, हमारे कॉलेज के अंदर 3 बार लाइट गई है, 1-1 घंटे का गैप दिया गया है। ऐसा कौन से इलेक्शन में होता है? एज पर द रूल्स जब वोटिंग होती है उसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं कटनी चाहिए, जो कि हमारे कॉलेज के अंदर 3-4 बार काटी गई है। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है जो इलेक्शन हुए हैं वो दोबारा से होने चाहिए? हाँ जी, दोबारा से होने चाहिए। क्या हुआ उस इलेक्शन से, आप संतुष्ट नहीं हो? नहीं, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मेरे को सिर्फ 2 वोटों से हराया गया है, मेरे 185 और जो जीती है उसकी 187। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि घपला? हाँ जी, हमें ऐसा लग रहा है। हमारी लड़कियों की ना फीस, सब कुछ होते हुए भी उन लड़कियों को ये बोला गया कि इनडिसिप्लिन कर रहे हो, लाइन से बाहर जाओ। और इवन उनके लिस्ट में नाम भी नहीं है। फैला हुआ था कि प्रेसिडेंट को पूरे स्टाफ में फैला हुआ था ये बात। सारे स्टाफ में एक ही बात फैली हुई थी कि कोमल पाठक जीतनी चाहिए, हमारी सारी लड़कियों को बाहर निकाला गया। क्यों भाई, बोल अपना पॉइंट बोल। सील हमारे सामने नहीं खुली, बार बार लाइट जा रही थी, काउंटिंग हमारे सामने नहीं हुई है। आपका आज जो आपने धरना प्रदर्शन कर रखा है, किस वजह से है? हमारे कॉलेज में EVM मशीन की सील कैंडिडेट के आगे नहीं खुली। एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन कैंडिडेट के सामने EVM की सील खुलनी चाहिए, जो हमारे कॉलेज में नहीं हुआ है। उसके बाद EVM 3 बार रुकी है, कोई टीचर्स आते हैं, फिर कुछ होता है, फिर वोटिंग होती है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। हमको जस्टिस चाहिए। जो यूनियन डिजर्विंग नहीं है वो बिल्कुल नहीं रहने देंगे, चाहे प्रोटेस्ट 3 दिन तक हो, 4 दिन तक हो, जितने दिन तक हो। आज जो भी इस कॉलेज में हुआ वो लोकतंत्र की हत्या है। AVVP से जो सेटिंग करके जो प्रिंसिपल ने काम किया है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें छात्राओं में काफ़ी रोष है। जबकि ऐसा कभी नहीं होता, कहीं भी किसी भी कॉलेज में हुआ भी नहीं है कि EVM के लाइट काट दी गई 2-3 बार। और आज जब ये छात्राएं जब अपनी मांग रही है तो इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। और पैनल से छात्राएं लड़ी वो हमारे बीच मौजूद है,
हम नहीं चाहते नेहा पाठक एज ए प्रेसिडेंट बने, क्योंकि फ्रेशर्स चाहते हैं, उनकी डिमांड है नेहा पाठक प्रेसिडेंट नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो धोखे से बने, धोखे से बनी है। एबीवीपी ने सेटिंग कराई थी अंदर, साफ साफ हमसे बोला गया दीवार, हम जब ये रूल था कि 31 अगस्त से पहले कि वो जो फीस स्लिप भरेगा वो ही नॉमिनेशन क्लियर करेगा, उसने 2 सितंबर को फीस स्लिप भरी है, उसका क्लियर क्यों हुआ है, हम इसकी वजह चाहिए। ईवीएम मशीन एक एक घंटे तक रुकी है, ऐसा कभी वोटिंग काउंट नहीं होती। जब कल दूसरी काउंटिंग हुई तो उसमें भी आपने खूब देखा होगा कि मशीनें बंद कर दी गई, मशीनें खराब बताई गई। ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी की हार है और युवाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, और युवा दबेगा नहीं, युवा अपनी मांग मांगेगा और हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले हैं, सब हमारे अगेंस्ट आए हुए हैं, लेकिन सपोर्ट में कोई भी नहीं है। ऊपर से लेडीज पुलिस होकर भी जेंट्स पुलिस ने क्यों हाथ उठाया हम पर, और कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस वालों की तरफ से इस बात पर। यहाँ छात्राओं पे हाथ पर धक्का मुक्की की गई है, जो एमबीबीपी की जो कैंडिडेट थी उसके भाई ने हाथ उठाया,